मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने नवरात्रि के पहले दिन रविवार को विधानसभा चुनाव के लिए अपने 144 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी होने के अगले ही पल से पार्टी के भीतर विरोध के सुर गूंजने लगे। खरगापुर सीट से टिकट की आस लगाए बैठे ओबीसी वर्ग के अजय सिंह यादव ने लिस्ट जारी होने के बाद निराशा जताई और कमलनाथ को पत्र लिखकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस ने खरगापुर से चंदा सिंह गौर को टिकट दिया है। अजय ने कांग्रेस के प्रति खुद और परिवार की निष्ठा, समर्पण और सेवा को याद दिलाते हुए पीड़ा जाहिर की। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में यह विश्वास दिलाया गया कि पिछड़े वर्गों को उनका हक एवं अधिकार इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा, परंतु टीकमगढ़ जिले में जहां पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या 70% से अधिक है, वहां तीनों सामान्य क्षेत्रों पर केवल एक ही वर्ग के प्रत्याशी बना दिए गए, जबकि तीनों ही प्रत्याशी पिछला चुनाव भारी अंतर से हारे हुए हैं। ये पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय है, धोखा है। मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। मैं, मेरे साथी एवं खरगापुर के तमाम आमजन लगातार पार्टी के सभी कार्यक्रमों, चाहे घर घर चलो अभियान हो, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान हो, नारी सम्मान योजना हो, जन आक्रोश यात्रा हो, सभी में लगातार काम कर रहे थे और मेरा प्रदर्शन भी सबके सामने है। उसके बाद भी यह अन्याय किया गया, क्योंकि मैं पिछड़े वर्ग से हूं, इसलिए इस तरह का अन्याय किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह का अन्याय हो रहा है, मैं इस अन्याय का साथ नहीं दे सकता हूं। इसलिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष पद एवं टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा के पलेरा ब्लॉक से पीसीसी डेलीगेट के पद से इस्तीफा देता हूं। इधर अजय सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने चुटकी लेने में देर नहीं की और कांग्रेस की पहली सूची को डील का बोलबाला करार दे दिया। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर लिखा कि पहली सूची में ओबीसी वर्ग की उपेक्षा के विरोध में मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष के इस्तीफे के बाद अभी इस्तीफों की झड़ी लगेगी। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की पहली सूची में डील का बोलबाला नजर आता है।